वेल गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, क्या SIP जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, क्या हम इससे करोड़पति बन सकते हैं? दोस्तों बन सकते हैं, लेकिन फिर भी हम कई सारी गलतियां कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो हमारा जो टारगेट होता है वो हमें अचीव नहीं हो पाता है, या फिर हमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब हो सकता है कि आपने इतना सुन लिया तो आपने सोच रहे हो अरे वीडियो तो वही है, कौन मैंने कुछ नहीं इसके अंदर वीडियो के अंदर। नहीं, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आपको आखिरी देखना चाहिए, आखिरी तक देखना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपने SIP के जरिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के वीडियो कई सारे देखे होंगे, लेकिन ये वाला शायद, ये जो तरीका है, ये जो इसके अंदर मैं बता रहा हूँ वो आपने शायद नहीं देखा होगा। देखा होगा तो सॉरी। तो दोस्तों करना क्या है हमें, कि जब हम SIP म्यूचुअल फंड के जरिए हम पैसे का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा पैसा काफ़ी अच्छा बन जाता है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन हम कुछ चीज़ें भूल जाते हैं इसके अंदर, जैसे कि इन्फ्लेशन में क्या होता है कि आपकी जो महंगाई दर होती है वो होती है, यानी कि आपकी महंगाई दर 5% 7% के बीच में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर आपका पास 1,00,000 रुपये आज है और आपने सेविंग अकाउंट में डाल दिया 1,00,000 रुपये, तो 1 साल बाद वो उसकी वैल्यू 1,00,000 नहीं होगी, पैसा तो 1,00,000 ही होगा लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, 5 या 7% के करीब वैल्यू कम हो जाएगी। तो अब जब आप SIP करते हैं और आपने कहीं मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड ऐसा सेलेक्ट कर लिया कि जिस पर रिटर्न आपको 12% मिल रहा है, राइट, 12% आपका रिटर्न मिल रहा है, और उसमें से सोचिए टोटल 12% रिटर्न मिल रहा है आपको, लेकिन इसमें से घटा दीजिए, क्या माइनस कर दीजिए, ये 5% मान लीजिए ये घटा दिया, तो आपका कितना पड़ा, यानी कि 7% ही तो आपको मिला, यानी कि आपको जो टोटल मिल रहा है वो आपको 7% मिल रहा है, क्योंकि महंगाई दर की वजह से आपके पैसे की वैल्यू भी कम होती जा रही है साथ ही साथ में। तो अब हमें करना क्या चाहिए, इन्फ्लेशन तो हमेशा रहेगी, जब तक ये पृथ्वी दुनिया रहेगी ये इन्फ्लेशन हमेशा रहेगी, तो इसको हम बीट कैसे करें, हमारा जो टारगेट है उसको अचीव कैसे करें, हमें अपने टारगेट तक पहुंचना है तो जल्दी से जल्दी कैसे पहुंचें। तो होता क्या है, हम लोग गलती क्या कर देते हैं, सबसे बड़ी गलती क्या कर देते हैं, मान लीजिए आपकी इनकम है 10K, आपकी इनकम 10,000 रुपये पर मंथ है और आपने SIP कर रखी है 500 रुपये की पर मंथ की, या फिर 1,000 पर मंथ की आपने SIP ऐसे कर रखी है, मान लीजिए 10,000 एक एग्जाम्पल है, अगर आपकी इनकम 50,000 है तो आप उसी हिसाब से 2,000-5,000 करते होंगे महीने के इन्वेस्टमेंट, ठीक है, तो आपने इतनी इनकम, आपने इतनी सैलरी, आपने अपनी इनकम इतनी इन्वेस्ट कर दी मंथली, और ये मान लीजिए आपने कर दी 10 साल के लिए, 10 ईयर के लिए, या 20 ईयर के लिए, या 30 ईयर के लिए, या फिर 35 ईयर के लिए, मान लीजिए आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया ऐसे, तो आप ये देखिए कि आपने अगर मान लीजिए इस तरह से इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपका 500 रुपये हर महीने 10 साल तक जा रहा है या फिर 20 साल तक जा रहा है, तो इससे आपका जो टारगेट होगा, जो आप अचीव करना चाहते हैं, जो कैपिटल बनाना चाहते हैं, वो 10 साल 20 साल 30 साल में ही बन पाएगी। और ये भी है, अब क्या किया जाए, तो क्या आपकी इनकम है वो 10,000 रुपये ही रहेगी क्या हर समय, आपके जीवन काल के अंदर 10 साल या 20 साल या 30 साल जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस टाइम तक आपकी सैलरी 10,000 ही रहेगी क्या, आपकी सैलरी या आपका इनकम या आपका बिजनेस ग्रो तो होगा ना, तो ग्रो होगा तो आपकी आमदनी बढ़ेगी या आपकी सैलरी बढ़ेगी, तो उससे होगा क्या कि आपकी 10,000 रुपये की सैलरी हुई, कभी आपकी 15,000 भी हो सकती है, 15K, कभी 20K भी हो जाएगी, कभी 30K भी हो जाएगी, कभी 50K भी हो सकती है। जब आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप वो क्यों नहीं बढ़ा रहे हो आप, जब आपकी सैलरी बढ़ती जा रही है साल बाई साल, तो आप ये इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं आप, तो इस इन्वेस्टमेंट को भी बढ़ाइए ना। अगर आप इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं हर साल, आप ये सोचिए कि आपका, आपकी जैसे मोस्टली नॉर्मली देखा गया है, मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो सॉफ्टवेयर की फील्ड की बता रहा हूँ कि मिनिमम 10% हमारा इंक्रीमेंट तो होता ही था, मतलब होता था कम से कम 10% का ईयरली, तो अब 10% का जब आपका ईयरली इंक्रीमेंट हो रहा है, ये आपकी सैलरी बढ़ रही है, इनकी आमदनी बढ़ रही है, तो आप 10% कम से कम 10% आप अपनी SIP का जो अमाउंट है वो बढ़ाइए ना, तो 10% आप मान लीजिए 1,000 का बढ़ाते हैं तो आपका 10% 100 रुपये हो गया, यानी कि 1 साल के बाद आप 1,100 रुपये की SIP करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या बदलाव आएगा ये दिखाता हूँ आपको मोबाइल के अंदर, मोबाइल पर ले चलता हूँ, और यहाँ पर इसका जो आपको बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा कि बेसिकली इसका फ़ायदा क्या होता है। पहले आपको सिंपली मैं लेके चलता हूँ कि मान लीजिए आप 1,000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो क्या होता है, तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे मंथली इन्वेस्टमेंट में 1,000 रुपये डाल देता हूँ, ठीक है 1,000 रुपये डाल दिया, एनुअल जो आपका एनुअल जो स्टेप अप है उसको अभी 0 कर देता हूँ,
जो मैं कह रहा हूँ इंक्रीमेंट करने वाली बात, उसको मैं ये जीरो नहीं हो रहा, जीरो मेरे ख्याल से हो नहीं पाएगा शायद, इसमें कम से कम बन डालना पड़ेगा। चलो मैं बन डाल देता हूँ फिलहाल, बन और जीरो लगभग नियर बाई जीरो मान लेते हैं इसको, ठीक है। आपने यहाँ पे क्या किया, एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट 12% ही रख लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम पीरियड 10 ईयर। तो इसको आप देखिए नीचे, जब आप इसमें आ जाएंगे तो आप नीचे देखिए कि आपने 1000 रुपीज़ पर मंथ आपने इन्वेस्टमेंट किया, 12% का एनुअल रिटर्न है, और 10 साल के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है पैसे को, ठीक है। 10 साल तक आपने पैसे को इन्वेस्टमेंट किया है, तो आपका जो टोटल अमाउंट इन्वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 125,547, इतना इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ आपका। इन्वेस्टेड अमाउंट इतना कैसे, 1000 रुपीज़। हाँ एक्चुअली एनुअल जो स्टेप हो गया ना, 1% लग गया इसमें, इसलिए तो उसको थोड़ा इग्नोर कर दीजिए अभी। तो आपने उसमें रिटर्न कितना मिला आपको, 1,02,000 करीब मिल जाएगा आपको पैसा, यानी टोटल आपको मिल जाएगा 2,27,000 रुपये 10 साल के अंदर। इसको मैं 30 साल कर देता हूँ डायरेक्ट, पहले 30 साल कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं कि आपको 30 साल में आपको 4,70,000 समथिंग आपका जमा हुआ, डिपॉजिट हुआ, इन्वेस्ट हुआ, और उस पर आपको 35 लाख रुपये मिल जाएंगे। अब आता है मेन खेल, जो नॉर्मली हम SIP यूज़ करते थे वो, अब हम क्या करते थे, एनुअल स्टेप अप को हम कर देते हैं 10%। मैंने 10% कर दिया, और फिर अब देखते हैं क्या हुआ। जब मैंने जैसे ही इसको 10% कर दिया स्टेप अप, यानी कि 1000 रुपीज़ पर मंथ इन्वेस्ट करने थे, और आपने 10% का हर साल आपने SIP को बढ़ा दिया, तो आप देख सकते हैं 12% एनुअल रिटर्न था आपका, 30 ईयर के लिए किया आपने, तो आपका टोटल 19,73,000 रुपये आपका इन्वेस्ट हुआ, टोटल 19,73,928 रुपये टोटल इन्वेस्ट हुआ। उस पर आपको 63 लाख रुपीज़ मिल गए आपको, यानी कि टोटल टोटल आपको कितना मिल गया, 83 लाख। अब देखिए कहाँ आपका 35 लाख करीब पैसा बन रहा था आपका 30 साल के अंदर, 1000 रुपये अगर फिक्स आप जमा करते 30 साल तक। लेकिन जैसे आपने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया, 10% में का हर साल आपने अपनी SIP का अमाउंट था उसमें इंक्रीमेंट कर दिया, तो आपके पास कितना बन रहा है, 83 लाख, मात्र आपने 10% का इंक्रीमेंट कर दिया SIP के अंदर। तो ये होती है पावर, बस मेरे आप, आपने सिर्फ 500 रुपये या फिर 1000 रुपये, ये एग्जांपल हैं, अगर आप इनका इन्वेस्टमेंट करते हैं लगातार तो पैसा आपका बनता है, लेकिन इतना नहीं बनता है। लेकिन आप 10% इंक्रीमेंट कर देते, भाई देखो सीधी सिंपल सी बात है कि जब आपकी सैलरी बढ़ रही है, आपकी आमदनी बढ़ रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो भी तो बढ़ाइए, ज़रूरी थोड़ी है 500 रुपये चलते रहेंगे। आप जब इनकम अच्छी हो रही है तो आप इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, करना चाहिए मतलब, तो ज़्यादा करेंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। अब इसी चीज़ को कैलकुलेटर के अंदर खुद भी थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा सा अपने मोटिवेशन के लिए SIP कैलकुलेटर स्टेप अप SIP कैलकुलेटर ओपन करके उसमें कैलकुलेशन करके देखिए। एक SIP कैलकुलेटर नॉर्मल वाला करके देखिए कि मैं 5000 रुपये पर मंथ इन्वेस्टमेंट करता हूँ 12% का एनुअल रिटर्न से, तो मुझे कितना मिलता है। और एक स्टेप अप वाले से करिए, तो उसमें आप कैलकुलेशन करके देखिए कि आप में जब उसमें 10% या 20% का इंक्रीमेंट करके देते हैं तो कितना पैसा कितनी जल्दी बन जाता है। तो गाइज ये है इसका साइंस बेसिकली। तो इस वीडियो में मेरा बताने का मकसद यही था कि आप अगर 10% का स्टेप अप भी लेकर चलते हैं तो आपकी जो कैपिटल है वो काफ़ी अच्छी बन जाएगी, क्योंकि आपकी सैलरी भी बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी। तो गाइज आप इस वीडियो से संतुष्ट हैं, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइएगा कमेंट करके, वीडियो थोड़ा सा मोटिवेशन लगा हो आपको। मेरा उद्देश्य यह है कि मैं आपको फाइनेंशियल एजुकेशन दूँ जिससे कि हर कोई अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करे, क्योंकि हम लोगों ने सेविंग बहुत कर ली, हम लोग सेविंग बहुत करते हैं इंडियंस, हम सेविंग बहुत करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारी लाइफ बेहतर हो जाएगी, हमारा कल बेहतर हो जाएगा। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।